इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में। अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले, क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी, तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी, तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए।